श्री रामचंद्र जी के असीम कृपाले आज ये पावन दरबार सजे है। अब ये पावन दरबार में उपस्थित मोर महतारी मन, मोर बहिनी मन, मोर बड़े बुजुर्ग सियान, हम जोली सखा मितान, प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सब से उपस्थिति लस्वरागनी मानस परिवार बीजाबर आगे कमरधा के जम्मो लड़का के ओर ले सादर सादर दंडवत प्रणाम पहुंचे स्वीकार करहु। कुछ करनी कुछ कर्म गति कुछ पूर्वज के भाग, आज मालिक के असीम कृपा आप मन के संगे संग हमरो ऊपर हो है, जिन सुंदर सत्संग करे भर बैठे हैं, आवा ए बेरा के सदुपयोग करन। आप सबके बीच में हमार मानस परिवार की पहली प्रस्तुति गणेश जी महाराज के चरण में करन अर्पित। प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय।
दामोदर महाराज की जय। अब आप सब ला जोड़े के प्रयास करन, जैसे भी बन पड़ी अम्मट बिछरे राम के कथा आप सबके बीच में परोसे के प्रयास करन। चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। संत गोस्वामी तुलसीदास की जय। ग्राम के देवी देवता की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या हर हु कलेश पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। भोज लखन राम चंद्र की जय। आज बड़े सौभाग्य के बाद आप जैसे संत सजान के दर्शन मिली। अब ये राम की कथा में ये ज्ञान रूपी गंगा में आज डुबकी लगाए की मौका मिली। भगवान कौन है? भगवान जो है मर्यादा पुरुषोत्तम में। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। और भगवान ला कहते थे परमात्मा जे एक दूसर के अंतर आत्मा में समाये रही थे वही परमात्मा कहते थे। और जे एक दूसर के काम करते ना ओला कहते थे धर्मात्मा। और वो धर्मात्मा कौन है? हनुमान जी महाराज। और काम आखर करे बर गए हैं राम जी के। सीता के खोज करे बरगे पता लगाए बरगे है। सीता के पता लगाए बरगे। तो हनुमान जी महाराज कौन है? धर्मात्मा। और धर्मात्मा के बाद में कौन आते? महात्मा। और ये महात्मा कौन है? विभीषण जी महाराज। ऐसा बड़े बड़े संत सुजान मनहा राजा रावण ला 14 जन मिल के 17 बार समझे लेकिन रावण नहीं समझे। और उस समय में भैया हनुमान जी जो है जगत माता सीता के खोज करे वर्गे है। और जब खोज करे वर्गे है भैया तो आओ प्रसंग में प्रसकला बताए के पहले आप मन से धन निवेदन है। आप सबसे कहीं भगवान नाम के कहीं जयकारा हो जाए तो कम से कम आओ थोड़ा आनंद आए के प्रयास करें। किसी जयकारा जयकारा लगाओ। ठीक है भाई जयकारा लगाओ एक बार। बोलिए लखन से राम चंद्र की जय। अब ताली वाले गलों के बजाय ईमान से तालियां तो वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम नहीं होता। तालियां तो वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम नहीं होता। तालियां तो वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता। जिनके हाथों में दम होता। बोलिए लखन से राम चंद्र की जय। जन सामने बैठे थे जय कहते और पाछू ढार हवाई में त्रिमन है।
पाछो बैठे ते ओमन विचार लगाओ छु भाई हमला का करना है जन आगु बैठे ते अपन बुलावत रही ऐसे बात नहीं है। सबला समाज में सत्संग में सबला बराबर के भागीदारी है। सब मिलके जयकारा जरूर बुलाना चाहिए। आओ हनुमान जी महाराज गए हैं। तब हनुमान जी महाराज ला रावण के उखर बड़े बाबू है, रावण के उखर छोटे बड़े बेटा है। हनुमान जी ला पकड़ के ले गए और पकड़ के ले गए के बाद चारों तरफ ला घुमाते, चारों तरफ ला घुमाते और घुमाए के बाद रावण के दरबार में लिखे। रावण के जब दरबार में लिखे तो रावण की थे अरे दोष, अरे मूर्ख, लंका को उजाड़ कर दे। कक्कन कन बगियाला, कक्कन कन फुलवारी लते तोड़ ताड़ लगाए और खर साथ में मोर पुत्र अक्षय कुमार लते मारे। तोर अधिक साहस है, तोर अधिक हिम्मत है। ये प्रकार के जब रावण जो है भैया हनुमान जी ला धुतकार लगाते और धुतकार लगाए के बाद में सुझाव करते इसको मार डालो, ये सठल मार डालो। तब वही समय में रावण के छोटे भाई विभीषण आते और विभीषण आके कहे लगते भैया एक दूत ला मारना एक राजा ला शोभा नहीं देवे। एक दूत जो है, एक खबरिया जो है, एक संदेशिया जो है, ये संदेश पहुंचाने वाला ला नहीं मारे जाए। लगे तो कुछ अपमानित भले कर सकता। तब रावण कहे एकर पुंछ में आग लगा दो, एकर पुछे में आग लगा दो। अब आपके बात ला जब रावण बोली सुना तो गांव भर के लंका भर के जेल होई शंका जा देख लो लंका आज भी वह बाजत है डंका। लंका में नहीं करना है शंका, लंका में शंका करे कोई काम ही नहीं है। लंका आज भी लंका है। लंका के नगरवासी जो है ऐलान हो गए वहां अपन अपन घर के तेल, अपन अपन घर के कपड़ा लाओ साहब, अपन अपन घर गई। कोनो संदूक के कपड़ा ला, कोनो अटीची के कपड़ा ला, कोनो बास्केट के कपड़ा ला, कोनो तेल के टीपा, कोनो घी के टीपा लान लान के रखे और रखे के बाद में ओकर पंच में लपेटे के प्रयास करते। आओ प्रसंग में कपि के ममता पूछ पर सब ही कहो समझाए तेल मोर पट बांध पुने पावक दे हुलराय लखनी सिया राम चंद्र की जय। कपि के ममता पुंछ में वानर के जो ममता है ना वो पूछी पड़ी थे। तब एकर पुंछ में कपड़ा लपेटना शुरू करी और जब कपड़ा लपेटना शुरू करी तब तब तेल तेल में भिगोई लगी। बड़े बड़े निशाचर मन और बड़े बड़े निशाचर मन आके तेल तेल में भिगा दी पूछी और पूछी ला भिगाए के बाद में और तेल तेल में एकदम भिगेगा। जब तेल तेल में भीगी सुना तो हनुमान जी जब पूछी ले जलाए प्रयास करते तो ओकर पुंछ बराबर जल भी नहीं करे, जल भी नहीं करे, गोंगवाई धरे, गोंगवाई धरे। तब भाड़ सुभाड़ बड़े बड़े निशाचर मन रहे हैं तो निशाचर मन के थे महाराज हे दशकंधर एले तू ही मने एक बार उद्घाटन कर देते हो महाराज, तो ही मैंने एक बार उद्घाटन कर देते हो काबर की हम एक सिर वाले और आप मन दस सिर वाले आओ, आप मन दस सिर वाले आओ। तो दस सिर वाले आओ तो दस ठन मुख हो और दस ठन मुख में जब कहो ठोकी हो ना तो ये जरूर जल जाए। तब उस समय में भैया
जब लंकेश जो है राज सिंहासन ले उतरे और राज सिंहासन ले उतर के हनुमान जी के जब पंछ में हवा लगी, सांस मार के जब हवा लगी तो उस समय में भैया हनुमान जी के पंछ में कपड़ा लपटाए रहा है धधाक जले लगी और जब जली सुना रावण के भैया कहा जाए ओकर मेछा रही कंची कंझावांगे रावण के मेछा झावांगे ऐसे बड़े बड़े। एक बार हमारे भारत में नारी शक्ति मन आंदोलन लड़ी का रास्ता रोको आंदोलन हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो अभी तो ये अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है देश के सरकार होश में आओ महंगाई पर रोक लगाओ। ओह नारी शक्ति चिल्लाए लगी कलेक्टर ऑफिस का पूरा घेराव कर दी कलेक्टर महोदय निकली सब निकल के कितने बहनी हो तुम कौन से मांग लेके आए हो और जब मांग लेके आए हो ना कम से कम सबसे पहले पानी तो पी लो जलपान कर लो और जलपान करने के बाद में ना आप मन के मांग जो नहीं जरूर पूरा हो ही जरूर पूरा हो ही। नारी शक्ति मन हमार बहनी मन हमार दीदी मन हमार दाई मन सब जन के है लगे पहली हमार मांग पूरा होना चाहिए पहली हमार मांग पूरा होना चाहिए कौन से मांग है भाई तुहर मन के मांग नारी शक्ति मन के आज तक अग्नि समन सेवा केंद्र के गाड़ी में नारी मन लग कोई भी प्रकार के भाग नहीं मिले आज तक नारी शक्ति मल्ला नारी मल्ला महिला मल्ला अग्नि समन सेवा केंद्र के गाड़ी में काबर सर्विस में नहीं लगाए तब के बेर कलेक्टर जी महोदय की थे तुम मन हन आगे लगाए पर जानो बुतवाए पर नहीं जानो आगी लगाए पर जानता बुतवाई बर नहीं जानो की हिस्सा बर रामचरितमानस में एक जन आगी लगई कौन हा सर्वप्रथम मंथरा आगी लगई दूसरिया में आगी लगाने वाला सूर्पनखा आगी लगई और आज लंका वासी मन आगी लगावा थे और हनुमान जी ल भैया रस्सी में बांध के पूरा लंगला घुमावा थे तफड़ा निशान बाजा थे और बाज बाज में भैया अतेक नृत्य करत है लंका के निशाचर मनहा निशाचरी मनहा सब हनुमान जी कौनता कौनता ने जाग देखा थे चारों मुड़ा में घूमत है चारों ओर घूमत है हनुमान जी के मतलब का करना है तुहरे नाचा तुहरे बाजा जिन ज्यादा नाचते ना तेन एक दिन खोरवा होते एक दिन उखर पैर दर्द करते मतलब काली ने देना है मैं सोच भाई रेंगत हूँ और पाछू दो हर बरत है मतलब काली ने देना है काबर की जब तुम बोला ये पूरा गली में लंका के गली में घुमावत हो ना तो बोला फायदा है हनुमान जी अपने मन में विचार करते बोला फायदा है फायदा का फायदा है पूरा लंकल देखत हो कौन मेले शुरू करना है जलाए के कौन मेले शुरू करना है जलाए के ना वो जलाए के नंबर वन ला वो देखत है हनुमान जी जब गली में घूमे से ना हनुमान जी ला तो हनुमान जी कहते हाँ ये मुड़ल जाके ऐसे घूम के ए कोटिल हो के वो डहर में जाके ऐसे ओ मोहाटी ले ए बड़े मेन गेट सो ले जाके ऐसे ए तिल हो के ओ ती जाके मुड़ल जलाना है हनुमान जी चारों मुड़ल देखा था आओ एक प्यारा प्यारा से भजन हो जाए आगे चर्चा करबो तोला मोला सबला है एक दिन जाना जिंदगी के काहे ठिकाना जिंदगी के काहे ठिकाना वाकई मां ये सिर सुन बात है ये जिंदगी कोई ठिकाना नहीं है हाँ ना जाने
ना जाने कौन बेरा काखर डेरा, यम के दूत के दस्तक पड़ जाए और ये पिंजरा ले पंछी फुर ले उड़ा जाए, तिन ला कोनो नहीं जाने। ये दुनिया मा जेन आते ओला जाए ला पड़ते, हाँ यहाँ इनकमिंग है तो आउटगोइंग तको है, यहाँ जतने आते उतने जाते भी, हाँ कोनो अमर खा के नहीं आया ने, में जितना जन बैठे हैं ना सब ला एक दिन मरेल पड़ी, सब ला एक दिन मरेल पड़ी, मौत सत्य है प्यारे, एक दिन हम सब ला काल घेर ली, काल अपन मुंह खोले बैठे है, ओसरी पारी एक एक करके उमा सब ला समावो, हमन यहाँ जिए बर नहीं आए हैं, हमन यहाँ मरे बर आए हैं, हाँ ते चाहबे तब हो मरबे और नहीं चाहबे, नहीं चाहबे तब हो मरबे ना, हाँ ते चाहबे तब हो मरबे, नहीं चाहबे तब हो मरबे, एकर ले अच्छा डरबे तब हो मरबे और नहीं डरबे तब हो मरबे, तब मौत के डर तो सबसे पहले फ्री कर दो, डरहू तबे मरहू और नहीं डरहू तब हो मरहू, तो जब मरना छे तो डर डर के मरे का मतलब, बिंदास होके मर जाओ, राम नाम लगात गात बन मर जाओ, राम नाम गात गात जब मरबोत का होई बैतरनी गंगा पार हो सकथन, भगवान नाम रूपी डोंगा में ही बैठ के बैतरनी गंगा पार हो जा सकत है, बैतरनी पार हो के कोई और दूसरा विकल्प नहीं है। आओ एक सुंदर काया खंडी भजन आप सबके बीच में परोसाओ, निवेदन करूं आप सबके मधुर मधुर ताली के संगत मोर भजन में होना चाहिए, हो ही ना, हो ही ना, आप सबके ताली बजी ना भजन में, हाँ अब आओ भजन के आनंद लाने सुंदर काया खंडी भजन। कुछ कहना है नहीं कहना है, मोला कहना है, जिंदगी के काहे ठिकाना, जिंदगी के काहे ठिकाना, जिंदगी के काहे ठिकाना, जिंदगी के काहे ठिकाना, Yeah.
दुनिया में दिन है तो रात है, धूप है तो छांव है, धरती है तो आकाश है, एक दूसरे के पूरा एक एक सिक्का के दो पहलू, कभू दुख है तो कभू सुख है, कभू धूप है तो कभू छाया है। प्यारे ये दुनिया है, दुनिया ये दुनिया में जे नाथे ओला अच्छा दिन भी भोगे लगते तो बुरा दिन भी भोगे लगते। हाँ जब जब नवा सवेरा थे तो रात के जिन काली बादल रहते दिन छट जते, और जब जब रात होते तो दिन के अंजोर लखा जते। हाँ दुनिया में जिंदगी एक दिन हमारा छोड़ के जाही, मौत के कई अलग अलग विकल्प, कोनो खटिया में सुते सुते मरबो, कोनो जर बुखार में मरबो, कोनो खांसी खोखी में मरबो, लेकिन मरे ला सबला बड़ी प्यारे। मौत से हमन बांच नहीं सकन, मौत सत्य है। सावन के कहना है कोनो शायर बड़ा खूब के है काके के जिंदगी बेवफा है, काहे काहे जिंदगी बेवफा है, जिंदगी बेवफा है एक दिन ठुकराएगी, जिंदगी बेवफा है एक दिन ठुकराएगी, और मौत हमारी महबूबा साथ लेकर जाएगी, साथ लेकर जाएगी। तो कहना है का जिंदगी के काहे ठिकाना, जिंदगी के काहे जिंदगी के काहे ठिकाना, 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 जिंदगी के काहे ठिकाना। प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय। बचन सुनत कवि मन मुस्काना, भई सहाय शरद में जाना, जात धान सुन रावण बचना, लगे रचे मोड़ सोई रचना। हनुमान जी महाराज रावण के वचन जब सुनते ना, तो रावण के जब वचन सुनते ना तो मन ही मन मुस्कान करते कि वारे मूर्ख, संसार में नाना प्रकार के मूर्ख देखे लेकिन तोर जैसे मूर्ख नहीं देखे। विचार करके देख, जेखर कुंज में आग लगावत है, तो जेखर कुंज में आग लगा के ओला गली में घुमावत है, तो ये हानिकारक है कि नहीं है? लेकिन रावण तो महामूर्ख है। भई सहाय शरद में जाना, लगते माँ शारदा जो है, माँ सरस्वती जो है,
तो बुद्धि ला पलट के कुबुद्धि कर दे है, और जब कुबुद्धि कर दे है ना तो तोर पास में ज्ञान जो है कम हो गए। एकर से चिंता एक काम करता है हनुमान जी महाराज। रावण ने कहे रावण ते महामूर्ख आओ मूर्ख कालक थे। एक जन आदमी हां बड़ सुंदर महल बनवाए रहे राजा है। और राजा हा महल बनवाए रहे ना तो पहले के नियम का रहा है और आज के नियम का है। आज के नियम ऐसे नियम है कि जो दरवाजा है ना कम से कम 6.5 फीट के दरवाजा होते। पहले के जो दरवाजा है ना जो सियान रहे बुजुर्ग रहे ना वो मन दरवाजा ला बिल्कुल छोटे रखे। काबर छोटे रखा है काबर की जब जैसे हम दरवाजा में घुसन तो झुक के घुसना चाहिए। घर भी एक मंदिर है और ये मंदिर में झुक के घुसना चाहिए। ये भी चार भाव लगा के वो राजा है छोटे छोटे कमरा मन के दरवाजा ला बना रहा है। तब वो बेचारा है बड़ा सुंदर महल बने रहा है और वो महल के जब पूजा कराना है तब पूजा कराना है तब पूरा नगरवासी ला निमंत्रण दी। तब निमंत्रण के साथ में एक जन मंडल है गलुगी और मंडल गीसना तो राजा के कमरा में गीस और राजा के कमरा में जब राजा बैठे रहा वही जगह में जा बैठी। राजा बड़ा स्वागत करित आओ भैया मंडल महोदय जी कैसे मकान बढ़िया बने कि नहीं बने। वो मंडल कैसे राजा साहब मकान तो बड़ा सुंदर बने हैं मकान तो बढ़िया बने हैं लेकिन एकर जो दरवाजा है बिल्कुल छोटे है। एकर जो दरवाजा है ना बिल्कुल छोटे है। तब मंडल पूछते एवं परेशानी का है एवं परेशानी का है। तब वो मंडल कहते एक दिन अंदर में एक कमरा के अंदर में ये तोर प्राण जोन है तोर जीव जोन है ये शरीर ल छोड़ के चल दी। तब चार झल निकालत नहीं बनी चार झल निकालत नहीं बनी। तब राजा के थे वाह रे मूर्ख जा तोला में अंदर में जेल के हवा खा जेल में डाल दी और जेल में डाल दी सुना। तब कुछ दिन के बाद में धीरे धीरे दो चार दिन के बाद में मंडली नहीं और मंडली नहीं तो राजा साहेब लग पूछते कस राजा महोदय जी हमारे यहाँ मंडल है तोरी घंटान आये से पूजा के दिन के तीन दिन के वो नहीं है ता कहाँ है। तो राजा साहब कहते मंडली तोर मंडल है जेल खाना में है। तौला की थे काबर वाला अंदर करे है गलती काम करे है मूर्ख के काम करे है। तो का बोली से का बोली से का बोली से कहते मंडली यही बात बोली से है कि जो कमरा है बड़ा सुंदर है कमरा बहुत बड़े है लेकिन कमरा के दरवाजा छोटे है और जब दरवाजा छोटे है तो मोला चार झन धर के निकालत नहीं बनी। ये शब्द के उल्लेख करी शिखर से अंदर करें कौन से बड़ी बात बोल दी कौन से बड़े बात बोली से है वो तो अच्छा बात बोली से यदि कमरा से तो बाहर निकालत नहीं बनी तो वो कमरा के अंदर में गाड़ दी। कौन कह दी मंडली कह दी अब मंडली ने घलो अंदर कर दी। मंडल मूर्ख है कहां रहे लेकिन आज बोला लगते ये मंडली घलो मूर्ख है। अब होकर बाद में मंडल मंडली के उखर लड़का आते वो पूछते कस राजा साहब मोर माता पिता मन कहाँ है तो वो कहते जेल खाना में है। जेल खाना में काबर अंदर करे तोर पिता की है चार झन धर के निकालत नहीं बने की तब बोला अंदर करे। और होकर बाद में तोर अम्मा आई तब ओ कही का कही निकालत नहीं बनी तो ये अंदर में तो लगाड़ दी। ये शब्द के उल्लेख करी अच्छा अरे नहीं बनी तब मंडली के थे एक कमरा में तोला जला दी एक कमरा में तोला जला दी ही थे तो यही तो मूर्खों की पहचान है।
काबर कर विनाशकारी विपरीत बुद्धि। जब विनाश के समय आते ना भैया तब बुद्धि काम नहीं करे। रावण के बुद्धि काम नहीं करते हैं। रहा नगर बसन घृत तेला बाढ़ी पोछ किन कपि खेला कौतुक कहा आए पुरवासी मारहि चरण करहि बहुहासी। रहा नगर बसन घृत तेला लंका में ककरो घर में ऐसे समय आ गए कि ककरो घर में उपराह कपड़ा नहीं रहेगी। जैन वस्त्र ला पहिरे है वही जो वस्त्र बचे हैं और ओकर बाद में जितना वस्त्र है सब वस्त्र ला हनुमान जी पूछे लपेट देने और जब जब तेल रहे ना जब का तेल रहा है तेनल रुको डारी कामा तो हनुमान जी पुंछ में और हनुमान जी पुंछ में जब का कपड़ा रही से और जब का तेल रही से सबोल जब जाल पड़ी तो ओ समय में भैया सब एक एक वस्त्र में लंका के जन का नर नारी है एक एक वस्त्र में हवे और एक एक वस्त्र में रही के भैया ना तेल बाची ना कपड़ा बाची। यहाँ तक के भैया कहा जाए लड़का के यदि सेकना है लड़का ला तेल चुपरना है तो वो लड़का के तेल चुपड़े पर घलक नहीं बाची। जितना तेल है सब तेल हनुमान जी के पुंछ में लगे। और वही समय भैया हनुमान जी के जो पुंछ है ना बाढ़े लगे बाढ़े लगी धीरे 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 बाढ़े लगे। और जब बाढ़े लगी ना तो ये कौतुक ला देखते नगरवासी में ना तो हनुमान जी के गोल लखन थे हनुमान जी ढकेल थे हनुमान जी के थे खुंद लो जितना खुंदना है तक तक खुंद लो। जब ऐसा समय आई ना तब मैं खुदी हूं तो आप मल्ला चिल्लाए के घलोक जगह नहीं मिली। तो वो समय में भैया बाजे ही ढोल दे ही सब तारी नगर फेर इतनी पंच प्रजा पावक जरत देखी हनुमंता भयउ परम लघु रूप तुरंत। हनुमान जी जो है अपन पुंछ ल बढ़ाई और अपन पुंछ ल बढ़ाई के बाद में हनुमान जी रहे हैं भैया चारों तरफ ल देखे चारों तरफ ल देखे के बाद हनुमान जी महाराज कहां है छोटे से रूप बने और छोटे से रूप बना करके रावण के जो बड़े अटारी है भैया बड़े बड़े महल है मेन सिंह दरवाजा है वो मैं जाके उचाटा मार के हनुमान जी हनुमान जी महाराज जो है चढ़ गए। और जब चढ़ी तब चारों तरफ हनुमान जी जो है उछाल मारे लगते चारों तरफ उछाल मारे लगते तब का होते भैया लंका जो है धो धो करके जले लगते और धो धो करके जलते भैया आई फिर प्यारा प्यारा से भजन आगे चर्चा कर गो। प्रेम से बोल भरत प्रिय राम चंद्र की जय। पावन प्रसंग चलत है सुंदर कांड के सुंदर कांड के पावन प्रसंग चलत है एमे माता सीता के हरण हो गए तेखरे पता लगाए बर तेखरे सुधी लगाए बर हनुमत लाल महाराज जी कहाँ गए है लंका लंका गए है ना अभी ओकर पूछ में आग भी लगने वाला है। हाँ हनुमान जी महाराज सीता माता के पता लगाए बर लंका गए माता लंका कैसे पहुंची रावण जेन है छल पूर्वक साधु के भेष धर ली साधु के रूप बना के भिक्षा के बहाना माता के अपहरण करके अपन पुष्पक विमान में बैठा के ले गए थे। और उही पुष्पक विमान में बैठे बैठे जिन माता के आंसू है पीड़ा है क्रंदन है रुदन है वही ला आप मन के बीच में भजन बना के परोसे के प्रयास कराऊं निवेदन प्रासंगिक भजन आप सबके बीच में परोसाऊं। कैसे तै धर छलिया साधु के
आई गे माता के दुआ हे रावण पापी जा तो रे नास हो ही गा कैसे तह धर चलिया साधु के भेसला कैसे तह धर चलिया साधु के भेसला आई गे माता के दुआ रावण पापी जा तो रे दास हो ही रे रावण पापी जा तो रे दास हो ही रे कैसे
बुलाई से गा तारो अतर है रद के ऊपर चिल्ला चिल्ला के बुलाई से गा एक तो पापी ये रावण ला कर मो दया न लागिस गा एक तो पापी ये रावण ला कर मो दया न लागिस गा तारो अतर है रद के ऊपर चिल्ला चिल्ला के बुलाई से गा तारो अतर है रद के ऊपर चिल्ला चिल्ला के बुलाई से गा एक तो पापी ये रावण ला कर मो दया न लागिस गा एक तो पापी ये रावण ला कर मो दया न लागिस गा कैसे सह धर चलिया दादू पे फैसला आई गे माता के दुआ से बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय। हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत उच्चास अष्टहास करी गर जा कपी बढ़ी लाग आकाश लिखन सियरा चंद्र की ये हरि प्रेरित उस समय में भैया भगवान की कृपा हो जापर कृपा राम की होई और तापर कृपा करे सब कोई जहां स्वयं भगवान की कृपा होते ना ओ जगह में कोनो भी साधु संतला कोनो भी धर्मात्माला कोनो भी जीवला कष्ट नहीं मिले कावर नहीं मिले कावर की भगवान की कृपा होते उस समय में भगवान की कृपा हुई हरि प्रेरित भगवान के जब कृपा हुई तो उस समय में भैया 49 प्रकार के हवा चले लगे और जब 49 प्रकार के हवा चली सुना वो हवा जो है इधर ले उधर इधर ले उधर और हनुमान जी के जो पुंछ है वो पुंछ ले बड़े बड़े जो गुल्ला है गिरे लगते हवा में और जब हवा में गुल्ला गिरते ना तो वही गुल्ला जो है हवा में उड़ उड़ के पूरा लंका ला विनाश करते और लंका ला जलावत है भैया ये प्रकार के बताते तो मेरा तो गलत संकेत हो गए तो और कुछ मेरा बचे हैं तो प्यारा प्यारा से भजन हो जाए बोली रखे श्री रामचंद्र की जय। आओ बेरा के जेन चक्र है वो चलते रही थे बेरा के हिसाब से हमला चले पड़ते बेरा हमारे हिसाब से नहीं चले तो बेरा आदेश कर दे शेष 5 मिनट है आओ एक सुंदर सा भजन आपके बीच में परोसू और वो वाकई में भजन है मुसाफिर हूँ मंजिल का ठिकाना नहीं चल जाना है रुकने का वाह
चल रे चल मुसाफिर, चल चल चल
चल।